भारत में कोरोना वायरस का दूसरा मामला भी केरल से सामने आया है। कोरोना वायरस से प्रभावित ये मरीज पहले भी चीन की यात्रा कर चुका है और हाल ही में वहां से लौटा है। मरीज को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और करीबी से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का पहला मामला भी केरल से ही सामने आया था। उधर चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैल रहा है। भारतीय यात्रियों के दूसरे जत्थे को लेकर एयर इंडिया की विशेष उड़ान रविवार सुबह दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट से 330 लोगों को लाया गया है। इसमें 223 भारतीयों के अलावा मालदीव के 7 नागरिक भी शामिल हैं। इन सभी को भारतीय सेना और ITBP के मानेसर स्थित कैंप ले जाया गया है। ये विशेष विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर सुबह 9:45 पर पहुंचा। ये विमान वुहान से तड़के 3:10 पर रवाना हुआ था। इसके साथ ही वहां से अब तक 654 लोगों को भारत लाया जा चुका है। एयर इंडिया ने अब तक नई दिल्ली से वुहान के लिए 2 बार उड़ान भरी है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 304 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमण के 14,380 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था, एयर इंडिया की दूसरी उड़ान वुहान से 323 भारतीय और मालदीव के 7 नागरिकों के साथ रवाना हुआ। चीन के विदेश मंत्रालय और हुबेई के स्थानीय अधिकारियों का एक बार फिर से आभार। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।